नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके हूँ ये डिज़ाइन। ये हैं छोटे छोटे ट्यूलिप्स, ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। ये जो है इसके लिए हमें चार के मल्टीपल में फंदे चाहिए, चार के मल्टीपल में फंदे, तीन फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को इक्वल करने के लिए और एक एक एच स्टिच। तो उसके हिसाब से मैंने जो है इस अपनी इस सिलाई में डिजाइन के लिए 17 फंदे डाल रखे हैं, चार चार के हिसाब से 12, तीन फंदे जो हैं वो डिजाइन को इक्वल करने के लिए और दो फंदे एच स्टिच। तो अभी जो है हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं। इसमें पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ऊन अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, फिर एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, एक दो और ये तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे। लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में भी हमारे तीन फंदे उल्टे थे, एक फंदा बिना बुने उतारने के बाद, और लास्ट में भी, ताकि डिजाइन हमारा बिल्कुल बराबर रहे। उल्टी सिलाई में पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक उल्टा उतारने के बाद तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर एक फंदा उल्टा, और फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, एक फंदा उल्टा और तीन फंदे सीधे, लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई। अब आगे हम अपनी तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई में पहला फंदा जो है हमारा वो बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। अब इसके बाद ऊन को हम पीछे करेंगे। अब ये जो हमारा सीधा फंदा है, सीधे फंदे में ये इसके एक लाइन नीचे, मतलब एक स्टेप इससे नीचे, यहाँ से हम इसको बुनेंगे, लेकिन इस फंदे को हम सिलाई से नहीं उतारेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बुना, बुनने के बाद हमने ये फंदा सिलाई से उतारना नहीं है। अब इसको आगे किया, सिलाई के ऊपर लपेटा, अब ऊपर वाले फंदे को हम बुनेंगे इस तरह से। अभी भी हम ये फंदा उतारेंगे नहीं। अब फिर ये जो है उनको आगे करेंगे, जहां से हमने पहला फंदा निकाला था वहीं से अब हम दोबारा लास्ट में इसको बुनेंगे इस तरह से। ये बुनने के बाद अब हम ये फंदा इस सिलाई से उतार देंगे। तो ये हमने एक फंदे के पांच फंदे किए। इसमें एक बार हमने नीचे से बुना, एक बार ऊपर से और तीसरी बार फिर नीचे से। अब फिर उसी तरह से तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक
दो और ये तीन। ये तीन फंदे बुनने के बाद फिर ऊन को पीछे करेंगे। अब फिर उसी तरह से जो ये फंदा है इसके नीचे वाली जो लाइन है जो यहाँ पे है, नीचे वाले फंदे से हम इसको बुनेंगे, लेकिन इस फंदे को हम सिलाई से उतारेंगे नहीं। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लेके अब इस फंदे को हम बुनेंगे। बुनने के बाद फिर उनको आगे करेंगे। अब जहां से हमने पहली बार फंदा बुना था वहीं से अब हम दोबारा बुनेंगे, यहां से ये हो गए हमारे एक फंदे के पांच फंदे। अब फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, उनको आगे किया। फिर उसी तरह से ये फंदा इसके नीचे जो फंदा है एक एक सिलाई नीचे, यहां से इसको बुनेंगे। ऊन को अपनी तरफ किया, अब ऊपर वाला फंदा जो है इसको बुनेंगे, लेकिन इसको सिलाई से उतारेंगे नहीं। फिर ऊन को अपनी तरफ किया और जहां से पहली बार फंदा लिया था वहीं से इसको दोबारा बुनेंगे इस तरह से। तो ये एक के पांच फंदे हो गए। अभी फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा, ये होगी हमारी तीसरी सिलाई। अब फिर उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद तीन फंदे हमारे सीधे, एक दो और ये तीन। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करके यहां से ये जो एक फंदे के पांच फंदे हमने बनाए थे अब ये पांच फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे और इनको हम उल्टा बुनेंगे पांचों को। इस तरह से ये पांच फंदे हमारे इकट्ठे बुने जाएंगे ऐसे। अब फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। ये तीन इकट्ठे ये तीन सीधे बुनने के बाद फिर पांच फंदे जो हैं ये हमारे यहां से हम इनको इकट्ठा बुनेंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अब ये पांच फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से इकट्ठे। अब फिर तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, उनको अपनी तरफ करके अब ये जो अगले पांच फंदे हैं ये पांच फंदे जो हैं इनको हम उल्टा इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से ऐसे। उनको पीछे किया, तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, और लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारा ये डिजाइन बनेगा ये। अब अगली सिलाई में हम क्या करेंगे, ये जो ये ट्यूलिप है अब पहले तो यहाँ बना है, अब ये जो बीच वाले तीन फंदे हैं उनके बीच वाले फंदे पे बनेगा। तो इसके लिए इस लाइन में हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये एक सिर्फ साइड पे ही होगा एक उल्टा। अब एक फंदा सीधा, अब यहाँ पे तीन उल्टे, एक दो और ये तीन, ये तीन उल्टे, एक फंदा सीधा,
फिर तीन उल्टे, एक दो और ये तीन। अब फिर एक फंदा सीधा, तीन उल्टे, एक दो और ये तीन, एक फंदा सीधा और उल्टा और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। अब उल्टी सिलाई में पहला फंदा उल्टा, उसके बाद एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन, फिर एक उल्टा, फिर तीन सीधे, एक दो और तीन, फिर एक उल्टा, फिर तीन सीधे, एक दो और ये तीन, एक उल्टा, एक सीधा और ये उल्टा। तो इस तरह से अब जो हमारा ट्यूलिप है, जिस तरह से हमने पिछली बार बनाया था, अब हमारा ट्यूलिप जो है वो ये जो सीधा फंदा है इसके साथ बनेगा। तो हर बार जो है हमारा, जो ये बीच में दो सिलाई हम डाल रहे हैं, उसमें क्या है, जो सीधा फंदा है वो चेंज होगा और उसी सीधे फंदे के ऊपर हमारा जो है ट्यूलिप बनेगा। तो इस तरह से चेंज करते हुए हम अपना डिज़ाइन जो है वो पूरा करेंगे। और ये जो हम ट्यूलिप बना रहे हैं, इसके लिए जो ऊन है उसको थोड़ा सा लूज रखेंगे बुनते हुए, ताकि ये ट्यूलिप पूरी तरह से उभर के आए। जैसे आप ये देखोगे, जैसे इसमें ये पूरी तरह से उभर के आ रहा है, अगर इसको टाइट रखेंगे तो ये बीच में दब जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि ये जो है ट्यूलिप उभर के आए। और ये जो है एक बार हर बार चेंज होगा, ये दो के बीच में जो है हर बार ये ट्यूलिप बनेगा। तो इस तरह से हम जो है अपना ये डिज़ाइन पूरा करेंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।